हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सभी प्यारे साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं विवेक कुमार यूवी कंपटीशन चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, रोजाना की तरह मैं लेकर हाजिर हूं डेली करंट अफेयर्स जीके, जो कि आपका इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज में अपडेट्स हैं। मेरे प्यारे साथियों, आज 26 अप्रैल 2019 के करंट अफेयर्स की हम बात करते हैं। साथियों, डेली करंट अफेयर्स के लिए यदि आपने हमारा चैनल यूवी कंपटीशन सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूवी कंपटीशन चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारे द्वारा दिए गए अपडेट्स के नोटिफिकेशन मिलते रहे। इसके साथ ही साथ यदि आप राजस्थान जी की और मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ने की इच्छा रखते हैं तो उसके लिए अनअकैडमी ऐप पर मुझे फॉलो करें। अनअकैडमी ऐप पर फॉलो करने का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथियों, शुरू करते हैं आज के मुख्य समाचार। सबसे पहले बात करते हैं इंटरनेशनल न्यूज, अंतर्राष्ट्रीय समाचारों की। द वर्ल्ड्स फर्स्ट इवर मलेरिया वैक्सीन वाज लॉन्च्ड इन ए पायलट प्रोजेक्ट इन अफ्रीकाज मलावी। द कंट्री इज द फर्स्ट ऑफ थ्री इन अफ्रीका इन विच द वैक्सीन नॉन एज RTS विल बी मेड अवेलेबल टू चिल्ड्रन अप टू 2 years ऑफ एज। घना एंड केन्या विल इंट्रोड्यूस द वैक्सीन सून। About 93% of the world's malaria-related deaths in 2070 occurred in Africa. अफ्रीका के मलावी में एक पायलट प्रोजेक्ट में दुनिया की पहली मलेरिया वैक्सीन लॉन्च किया गया। यह देश अफ्रीका में उन देश 3 में से पहला है जिसमें RTS के रूप में जाने जाने वाला टीका 2 वर्ष तक के बच्चों को उपलब्ध कराया जाएगा। घाना और केन्या जल्द ही वैक्सीन पेश करेंगे। 2017 में दुनिया की मलेरिया से संबंधित मौतों में से लगभग 93% अफ्रीका में हुई थी। नेक्स्ट, कजाकिस्तान हैज सेट अप कोऑर्डिनेटिंग काउंसिल फॉर अट्रैक्टिंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंक्लूडिंग फ्रॉम इंडिया। ए डिसीजन वाज टेकन टू ले डाउन द फंक्शंस ऑफ इन्वेस्टमेंट ओम्बुड्समैन इन ऑर्डर टू वेंचर फॉर न्यू अप्रोचेज टू इम्प्रूव द इन्वेस्टमेंट सिनेरियो इन कजाकिस्तान। कजाकिस्तान ने भारत से विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए समन्वयन परिषद की स्थापना की है। कजाकिस्तान में निवेश परिदृश्य में सुधार के लिए, नए दृष्टिकोण के लिए, उद्यम करने के लिए निवेश लोकपाल के कार्यों को करने का निर्णय लिया गया है। ईरान एंड पाकिस्तान हैव एग्रीड टू सेट अप ए जॉइंट बॉर्डर रिएक्शन फोर्स to combat the attack of by militant groups on both sides their frontier. ईरान और पाकिस्तान दोनों अपने सीमांत क्षेत्रों पर आतंकवादी समूहों के हमलों का मुकाबला करने के लिए एक संयुक्त सीमा प्रतिक्रिया बल स्थापित करने पर सहमत हुए हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अपॉइंटमेंट्स, नियुक्ति की। फॉर्मर देना बैंक MD एंड CEO कर्णम शेखर इज सेट टू टेक ओवर एज द न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO ऑफ इंडियन ओवरसीज बैंक फ्रॉम July 1, 2019। ही विल टेक ओवर फ्रॉम R. सुब्रमण्यम कुमार। पूर्व देना बैंक के MD और CEO कर्णम शेखर 1 जुलाई 2019 से इंडियन ओवरसीज बैंक के नए प्रबंध निदेशक और CEO के रूप में कार्यभार संभालेंगे। वह R. सुब्रमण्यम कुमार से पदभार संभालेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं बैंकिंग और इकोनॉमिक न्यूज, बैंकिंग और अर्थव्यवस्था समाचारों की। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज बिकम द फर्स्ट सेंट्रल बैंक इन द एशिया पैसिफिक APAC रीजन टू बिगिन एन एक्सप्लिट इंटरेस्ट रेट एजिंग साइकिल। द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी MPC हेडेड बाई RBI गवर्नर शक्तिकांत दास कट रेट्स इन फेब्रुवरी एंड अप्रैल। भारतीय रिजर्व बैंक स्पष्ट ब्याज दर सहजता चक्र शुरू करने वाला एशिया प्रशांत क्षेत्र का पहला केंद्रीय बैंक बन गया है। RBI गवर्नर शक्तिकांत दास की अध्यक्षता वाली मौद्रिक नीति समिति MPC ने फरवरी और अप्रैल में दरों में कटौती की है। नेक्स्ट, कोटक महिंद्रा बैंक कोटक हैज लॉन्च्ड द फर्स्ट डेबिट कार्ड बेस्ड ऑथेंटिकेशन सॉल्यूशन ऑन NPCI's नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया E-Mandate इलेक्ट्रॉनिक मैंडेट API एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस प्लेटफॉर्म। कोटक महिंद्रा बैंक कोटक ने NPCI नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया E-Mandate इलेक्ट्रॉनिक मैंडेट API एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस प्लेटफॉर्म पर पहला डेबिट कार्ड आधारित प्रमाणीकरण समाधान लॉन्च किया है। नेक्स्ट,
नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल NCLT अप्रूव्ड द मर्जर ऑफ प्राइवेट सेक्टर लैंडर इंडसलैंड बैंक विद भारत फाइनेंशियल इंक्लूजन BFIL, ए माइक्रो फाइनेंस कंपनी। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल NCLT ने निजी क्षेत्र के ऋणदाता इंडसइंड बैंक के भारत फाइनेंशियल इंक्लूजन के साथ एक माइक्रो फाइनेंस कंपनी के विलय को मंजूरी दे दी है। नेक्स्ट, मार्केट रेगुलेटर सेबी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया हैज रिड्यूस्ड द मिनिमम सब्सक्रिप्शन रिक्वायरमेंट एज वेल एज डिफाइंड ट्रेडिंग लॉट्स फॉर रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। सेबी हैज ऑल्सो इंक्रीज द लेवरेज लिमिट फॉर NVIT फ्रॉम 49% टू 70%। बाजार नियामक सेबी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने न्यूनतम सब्सक्रिप्शन आवश्यकता के साथ साथ रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के लिए परिभाषित ट्रेडिंग लॉट में कटौती की है। सेबी ने भी इन INVITs के लिए लेवरेज लिमिट को 49% से बढ़ाकर 70% तक कर दिया है। नेक्स्ट, बाई यूकॉन कॉइन सेकेंड ऑल्डेस्ट क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज इन इंडिया हैज इंट्रोड्यूस्ड ए न्यू एंड यूनिक प्लेटफॉर्म फॉर होलसेल क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग। इट इज ऑल्सो नॉन एच OTC ओवर द काउंटर डेस्क दैट अलाउज यूजर्स टू ट्रेड ऑन ए लार्ज स्केल विद लो प्राइस इन फ्लक्चुएशंस। भारत में दूसरी सबसे पुरानी क्रिप्टो क्यूरेंसी एक्सचेंज बायू कॉइन ने थोक क्रिप्टो क्यूरेंसी ट्रेडिंग के लिए एक नया और अनूठा मंच पेश किया है। इसे OTC ओवर द काउंटर डेस्क के रूप में भी जाना जाता है, जो उपयोगकर्ताओं को कम कीमत में उतार चढ़ाव के साथ बड़े पैमाने पर व्यापार करने की अनुमति देता है। नेक्स्ट, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI हैज डाइवेस्टेड इट्स एंटायर स्टेक हेल्ड इन नेशनल हाउसिंग बैंक NHB एंड नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट NABARD टू द गवर्नमेंट विच नाउ होल्ड्स 100% इन दीज एंटिटीज। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने नेशनल हाउसिंग बैंक NHB और नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट NABARD में अपनी पूरी हिस्सेदारी सरकार को बांट दी है, जिसके पास अब इन संस्थाओं में 100% स्वामित्व है। और नेक्स्ट और लास्ट न्यूज है स्पोर्ट्स न्यूज खेल समाचार। एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2019 हेल्ड एट दोहा इन कतर। इट वॉज द 23rd एडिशन ऑफ द चैंपियनशिप। इंडिया एंडेड एट द 4th स्पॉट इन द मेडल्स टेली विद 3 गोल्ड 7 सिल्वर एंड 7 ब्रॉन्ज। बहरीन टॉप्ड द टेबल विद 11 गोल्ड 7 सिल्वर एंड 4 ब्रॉन्ज। चाइना वॉज सेकेंड वाइल जापान वॉज थर्ड। कतर के दोहा में एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2019 का आयोजन किया गया। यह चैंपियनशिप का 23वां संस्करण था। भारत 3 स्वर्ण 7 रजत और 7 कांस्य के साथ पदक तालिका में चौथे स्थान पर रहा। बहरीन ने 11 स्वर्ण 7 रजत और 4 कांस्य के साथ तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया। चीन दूसरे स्थान पर था जबकि जापान तीसरे स्थान पर था। तो मेरे प्यारे साथियों, ये थे आज के मुख्य समाचार जो कि आपका करंट अफेयर से सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब UV कंपटीशन चैनल और साथ ही साथ हमें अनअकैडमी इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।